बाओलोग ब्लैक्स के साइड पर मात्र दो ड्रैगन थे जो अपनी जान देकर ब्लैक्स को बार बार प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सर्व करते हैं और हर बार ग्रीन्स को भारी कैजुअल्टी देकर ग्रीन्स की धज्जियां भी उड़ाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कराक्सिस और सी स्मोक के बारे में। तो बाबा स्पॉइलर अलर्ट, जिसे रुकना है वो यहीं रुक सकता है क्योंकि इससे सीजन 3 का आपका मजा खराब हो सकता है। और बात करेंगे पहले कराक्सिस के बारे में, जिसने ग्रीन्स की एक तरफा फाड़ के रखी थी। लगभग 80 साल पुराना ये ड्रैगन, इसके लाइफ में दो ही राइडर रहे हैं। पहला राइडर एमन टारगेरियन था जिसने इसे 72 एसी में क्लेम किया था। कराक्सिस का जन्म कब हुआ, नोबडी नोज। लाल रंग का दिखने वाला यह दरिंदा बिल्कुल सरपेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो एक सांप की तरह खूंखार देखने को ही मिलता था और इसी लुक की वजह से बहुतों की फटके हाथ में भी आ जाती थी। काफी बड़ी बड़ी वॉर लड़ी है और कोई भी वॉर ना हारने का जुनून था इसके ऊपर। इतनी ब्रूटल और क्रूअल ड्रैगन था ये कि अच्छे अच्छों की फाड़ के रखता था और काफी निडर, अकेले ही भिड़ जाता था। फोर्थ डॉर्निस वॉर में इसने आगे रहकर सेना का नेतृत्व किया था और भारी कैजुअल्टी देकर डॉर्निस आर्मी को पछाड़ा भी था। उसके बाद एमन के मरने के बाद उसका भतीजा यानी डेमन टारगेरियन ने इसे 105 एसी में क्लेम किया और इसके साथ बहुत लंबा समय कराक्सिस ने बिताया था, जिससे डेमन और कराक्सिस की एक सॉलिड बॉन्ड बना जो काफी हद तक दोनों के एटीट्यूड को मैचअप भी करता है। निडर, क्रूअल, चालाक, सातिर और कब कैसे हमला कर दे, इनकी चाल ही अलग थी। स्टोन्स की लंबी लड़ाई में डेमन ने इस ड्रैगन से खूब दरिंदगी मचाई थी, खूब खून का नंगा नाच दिखाया। बेस्ट बॉन्ड राइडर और ड्रैगन राइडर के बीच में भाई टॉप 10 की लिस्ट में इन दोनों का नाम आता है। बाकी डांस ऑफ द ड्रैगन्स के टाइम पर गॉड्स आई लेक में जो ग्रीन का एकमात्र अनडिफीटेड एंड फियर्स ड्रैगन था वेगार, उसको मौत के घाट भी उतारा और इतनी घातक ये लड़ाई दोनों ड्रैगन के बीच में हुई थी कि आसपास के इलाके में दोनों ड्रैगन की चीखें और चिंघाड़ लोगों को सहमा दे रही थी और आसमान में मानो तूफान सा आ गया हो, लाइटनिंग एंड थंडरिंग चल रही हो, इस हद तक वो वॉर देखने को मिली। ऐसी ब्रूटल वॉर दोनों के बीच लड़ी गई। दोनों ने अपने पंजों से एक दूसरे को बुरी तरीके से फाड़ दिया था। दोनों के पंख डैमेज हो चुके थे और तभी कराक्सिस वेगार की गर्दन को पकड़ेगा और तब तक जब तक कि वेगार मर नहीं जाता और उसकी गर्दन को चीर देता है। दोनों ड्रैगन्स अपने राइडर डेमन और एमंड के साथ लेक में गिरते हैं और गहरी लेक में समा जाते हैं। देन सेकंड है बाबा सी स्मोक, जिसका जन्म 101 एसी में हुआ था। धुएं की तरह दिखने वाला यह ड्रैगन बिहेवियर में काफी अग्रेसिव और ब्रूटल था और अक्सर ड्रैगन स्टोन्स पर यहां वहां गेड़ियां मारते रहता था। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के टाइम पर बिल्कुल यंग एडल्ट और काफी अग्रेसिव ड्रैगन यह हो चुका था और एपिसोड 6 में हमने देखा भी था कि सर स्टेफन डार्कलिन को कैसे जला डाला था। इसका फर्स्ट राइडर सर लेनार वैलेरियन था, जो फर्स्ट हस्बैंड था रेनिरा टारगेरियन का, लेकिन यह बंदा गे था और बाद में अपने आशिक के साथ इसे भगा दिया गया था सीजन फर्स्ट में ही। मर गया या जिंदा है नोबडी नोज। देन सेकंड राइडर एडम ऑफ हल देखने को मिलता है और एडम ऑफ हल भी कॉर्लिस वैलेरियन का बास्टर्ड सन था। सब चकित थे कि एडम ऑफ हल को सी स्मोक ने आखिर क्लेम कैसे कर लिया। तो इसका फर्स्ट राइडर लेनार वैलेरियन और सेकंड जो एडम ऑफ हल है, दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ता है यानी कॉर्लिस वैलेरियन का। अकॉर्डिंग टू बुक एडम ऑफ हल अपने बड़े भाई एलिन ऑफ हल की तब मदद करता है जब एलिन सीप स्टीलर को क्लेम करने जाता है और सीप स्टीलर अग्रेसिवली एलिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी स्मोक आके उसको बीच बचाव करता है। बाकी बैटल ऑफ गलट में भी ये ड्रैगन ट्रायार्की की तस्वीर फाड़ के रखेगा। देन उसके बाद फर्स्ट टिम्बल्टन वॉर में भी ग्रीन्स की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन आफ्टर द बिट्री ऑफ ह्यू हैमर एंड अल्फ द वाइट, एडम ऑफ हल को भी शक की निगाहों से देखा जाने लगा और एडम ऑफ हल को कैद कर लिया गया और सी स्मोक भी बेड़ियों में जकड़ दिया गया, जिसके लिए कॉर्लिस वैलेरियन ने एडम का सपोर्ट किया और उसके बाद एडम ऑफ हल पूरे गुस्से में अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए रात में ही 3000 या फिर 4000 सैनिकों के साथ ग्रीन्स की ओर चढ़ाई कर देता है और टिम्बल्टन की सेकंड वॉर में जो लड़ाई लड़ी है इस ड्रैगन ने, वर्मीथोर और टसेरियन दोनों ड्रैगन से अकेला भिड़ता है, जहां वर्मीथोर राइडरलेस था और दोनों को मारता है, बुरी तरीके से घायल करता है और लास्ट में वर्मीथोर ने टसेरियन की गर्दन में अपना जबड़ा फंसाया और सी स्मोक की गर्दन ही उखाड़ दी और वर्मीथोर सहित दोनों ड्रैगन नीचे गिरते हैं और वर्मीथोर भी मरता है इसमें। कुछ समय बाद टसेरियन भी मारा जाता है और वहां मौजूद लोग वो इस घातक लड़ाई को देखकर दहल गए थे क्योंकि 3 गुना छोटा ये सी स्मोक जाइंट ड्रैगन वर्मीथोर से उसकी धज्जियां भी उड़ाता है और बुरी तरीके से भिड़ता भी है। तो भाई ये दोनों ड्रैगन थे कराक्सिस एंड सी स्मोक, जो एवरी टाइम अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे फॉर द ब्लैक्स और काफ़ी हद तक उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे, उन्हें सर्व करेंगे। और कराक्सिस का तो हम जानते ही बाबा, डेमन के साथ वो अग्रेसिवली एटीट्यूड, देन सी स्मोक का भी वही एटीट्यूड है, बहुत छोटा ड्रैगन है, काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाबा सीजन 3 में मज़ा आने वाला है, वेट फॉर इट। बाकी आपका इन दोनों में से फेवरेट ड्रैगन कौन सा है और नेक्स्ट वीडियो किस पे बना सकते हैं, कौन से ड्रैगन पे, वो भी जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।